मेरा नाम है काजल सिंह। मैं अपने चैनल पर स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप इस तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एंटी एजिंग फेस मसाज। जैसे हमारी एज जो है 25 हो चुकी है या 30 या 40 के भी अगर आप हैं तो आपको ये मसाज शुरू कर देना चाहिए। यही आपका सही टाइम है मुझे मसाज करने की। मसाज करने से जो हमारे फेस पे ग्लो बरकरार रहती है वो आपको किसी भी फेशियल से नहीं मिलेगी, किसी भी प्रोडक्ट से नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो ना कि आपका जो फेस है वो लंबे टाइम तक ग्लोइंग बना रहे और आपके चेहरे से आपके उम्र का पता ना लगे तो इसके लिए आपको ये मसाज जरूर करना चाहिए। अपने चेहरे को ये मसाज जरूर देना चाहिए। आपको फेशियल योगा हो गए, फेस एक्सरसाइज हो गए, ये सारी चीजें करने से हमारे फेस जो है बहुत अच्छा रहता है और हमारे एज का पता नहीं लगता। आप इससे 5 साल 10 साल तक छोटे लग सकते हो अगर आप ये मसाज रेगुलर करते हो, अपने स्किन को ये मसाज देते हो। तो होता क्या है ना, इससे जो हमारे हाथ पांव है ना उनका तो हम यूज करते हैं लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनका हम यूज नहीं करते हैं, तो उनकी जो नसें होती है ना वो सुस्त पड़ जाती हैं, सो जाती हैं, आप कह सकते हैं कि वो एक्टिव ही नहीं रहती हैं। तो यही कारण है कि हमारे चेहरे पे जल्दी रिंकल्स आने लगते हैं। जैसे हम 30 टच करने लगते हैं हमारा फेस धीरे धीरे डल होने लगता है, स्किन पे लाइंस पड़ने लगती है, फेस पे ग्लो नहीं रहता। तो ये सब कारण है। और धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे फेस में जो है हमारे स्किन में कोलाजन का प्रोडक्शन भी बहुत धीमा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ फेशियल योगा करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ बता रही हूँ जो कि अगर आप करते हैं तो आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इस फेस मसाज को करने के लिए ना मैं बता रही हूँ आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसको करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, एलोवेरा जेल ले सकते हैं। तो आज का मसाज मैं एलोवेरा जेल से करूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है जो कि काफी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है। अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको काफी सस्ते में मिल जाएगा। बाकी सारे एलोवेरा जेल जो है थोड़े कॉस्टली आते हैं। तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल मैंने अपने हाथों पे लिया है, इसको अपने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से लगाना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको मसाज करनी है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे आपको मसाज करना है, कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले हम जो हमें लाफ लाइन बढ़ जाती है उसकी मसाज कर लेते हैं। तो मोस्टली मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा लोगों को लाफ लाइन बहुत ही जल्दी आने लगती है, मतलब आपके लिप्स के दोनों तरफ लाइंस आने लगती है। तो उसको रिमूव करने के लिए, या वो जल्दी ना आए, बहुत लेट से आए आपके चेहरे पे, तो उसके लिए आपको इस तरह से अपने दोनों लिप्स को पकड़ना है और इस तरह से उसकी मसाज करनी है। इससे क्या होगा कि आपके लिप्स में जो नसें बंद हो चुकी हैं, सुस्त हो चुकी हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगी और आपके जो लाइंस है वो रिमूव हो जाएगी। और अगर नहीं है तो बहुत लंबे टाइम तक आपके चेहरे पर कोई भी फाइन लाइन्स नहीं आएगी। अब आपको अपने अंडर आई हो जाते हैं या फिर डार्क सर्कल हो जाते हैं या आपके आई के नीचे फूले फूले सूजन सा रहता है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए इस तरह से आई की मसाज करनी है आपको। फोरहेड पे भी बहुत जल्दी लोगों को लाइंस आने लगती है, रिंकल्स वगैरह बहुत देखने को मिलते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको बहुत तरीके से मसाज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 तरीका दिखाया है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मुझे तो मोस्टली फोरहेड पे मसाज करना सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इससे जो मेरी आईब्रो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, चढ़ी चढ़ी लगती है, जिससे मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इतने तरीकों से आप अपने फोरहेड और आईब्रो पे मसाज कर सकते हैं। इसमें से जो आपको एक दो अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आप 1 मिनट कर सकते हैं या फिर काउंट करके 20 बार 15 बार कर सकते हैं, बराबर ही करना है। जितना इस तरफ करेंगे उतना उस तरफ भी आपको करना है। और अब हम अपने चीक की मसाज करेंगे। चीक भी हमारे अगर सैगी हो जाते हैं या फिर अनसेप में रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आपको अपने चीक को स्ट्रेच करके पीछे की तरफ लेके जाना है, आराम आराम से मसाज करना है। मैंने यहाँ पे आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है लेकिन आपको बहुत ही आराम से सारे स्टेप करने हैं। मैंने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया है इसलिए आपको लग रहा है कि मैंने तेज किया है, बट इसे ये सारी चीज़ें बहुत ही आराम से करनी होती हैं।
तो ये जो हमारे जॉ लाइन होते हैं ना, उसको शार्प बनाने के लिए, उसको बिल्कुल मॉडल्स लाइक बनाने के लिए आपको इस तरह से मसाज करनी पड़ती है। तो ये भी आप काउंट करके 10 बार कर सकते हैं या 15 बार कर सकते हैं, लेकिन आपको बराबर ही करना है। जितना इस तरफ करना है उतना ही आपको दूसरी तरफ भी करना है। तो आपको नेक की भी मसाज कर लेनी है। और ये जो मैं अब आपको करके दिखा रही हूँ, ये एक फेशियल एक्सरसाइज है। इससे भी आपके चीक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, माउथ में लाइन नहीं आती, लाफ लाइन नहीं आती है। तो आप पहले अपने मुंह में हवा भरेंगे, उसे 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, देन आप उसको छोड़ देंगे। और ये मसाज है हमारी आईब्रो के लिए, आँखों के लिए, जो आँखों के नीचे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या आई सर्कल हो जाते हैं, उसको दूर करने के लिए आपको दोनों उंगलियों से आँखों को स्ट्रेच करना है और आँखों को पूरा खोलना है, उसके बाद बंद करने की कोशिश करना है। और ये जो मैंने दिखाया है, ये भी आपको लाफ लाइन आती है उसके लिए करना है। जो डॉगी माउथ, जैसे आपके माउथ लटकने लगते हैं बहुत लोगों के, आपने देखे होंगे 40-45 के होते होते उनके माउथ के नीचे इस तरह से लटक जाते हैं, दो लाइंस पड़ जाती है, उसको रिमूव करने के लिए ये था। क्लॉक वाइज देन एंटी क्लॉक वाइज। तो अब मैं आपको अपने चीक को एकदम सेफ में रखने के लिए, बिल्कुल आपके चीक लटके ना, बिल्कुल टाइट से रहें, ग्लोविंग लगे, उसके लिए मैं ये दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपको अपना फेस स्ट्रेच करना है, मसाज करना। इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि आपको इससे बेहतर ना ही कोई फेशियल रिजल्ट दे सकता है, ना ही कोई ट्रीटमेंट दे सकता है। ये बोटॉक्स को भी फेल करता है, लेकिन आपको इसे कंटिन्यू करना पड़ता तो है। तो आप देख ही सकते हैं मेरा स्किन मसाज करते करते ही कितना सुपर ग्लोविंग हो चुका है। तो सबसे लास्ट में आपको ये टैपिंग और पिंचिंग करना पड़ता है। ये टैपिंग पिंचिंग तो आपको रेगुलर ही करना है, आप चाहे तो दिन में 2 बार कर लीजिए। इसे तो आप कभी भी कर सकते हो, बैठे बैठे एनी टाइम आप कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे फेस के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और यही कारण है जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन जहाँ नहीं हो पाता है, वहाँ की स्किन हमारी लटकने लगती है, सिकुड़ने लगती है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका बराबर हो रहा है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, आप पिंचिंग इस तरह से करना है, थोड़े थोड़े अपने स्किन को पिंच करना है। और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो आप मुझे अप्रिसिएट करने के लिए लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं। इससे मुझे आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, हेल्प होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।